हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आई होप आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, आप लोगों का टोटल 4 सब्जेक्ट हुआ था सेमेस्टर 6 में। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे नंबर से पास होंगे और भविष्य में आगे जो भी आप लोग सोचेंगे वो मनोकामना आपका पूरा हो। ठीक है, तो देखो ये लास्ट वीडियो हो सकता है आप लोग के लिए होगा। ठीक है, और चैनल के साथ जुड़े रहना क्योंकि आगे जो भी अपडेट मिलेगा वो सब हम जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। ठीक है, देखो आज का जो पेपर हुआ था सेमेस्टर 6 का, ठीक है, ये जो सेमेस्टर 6 का पेपर हुआ था आज, उन सभी स्टूडेंट के लिए जो DSC 4 में फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर ले रखे हैं, उन सभी के लिए आज हम आंसर बताने वाले हैं। और जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो सब क्वेश्चन टच किया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम MCQ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आप लोग आंसर मैच कर लेना और आज जरूर कमेंट करना। आप लोग कभी मेरे बात को नहीं मानते हो, ठीक है, लेकिन आज प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज जरूर कमेंट करना कि आपका 10 में से कितना सही हुआ, आ तो फिर आपको अनुभव के तौर पर कितना लग रहा है कि मेरा कितना सही हो गया होगा। ठीक है, चलो तो देखो पहला, अब देखो कोई स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन भेजा, मैं तुरंत इसका वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आगे, हो सकता है मेरे को दिक्कत लगे तो मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन को सर्च कर लेना। ठीक है, बट मैं देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार का है। ठीक है, देखो पहला, क्या निम्न में से कौन सा विदेश नीति का निर्धारण तत्व नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यानी कि युद्ध, ये जो युद्ध है वो हमारा विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा। ठीक है, फिर बी में, क्या निम्नलिखित में से कौन सा शीत युद्ध काल में अमेरिकी विदेश नीति का एक सिद्धांत रहा है। ठीक है, तो जो इसका बी है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, यानी कि साम्यवाद की रोकथाम, साम्यवाद की रोकथाम बी का हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ये जिसका भी पेपर है इसने सही मारा है। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या सी है, निम्न में से कौन सा एक सैन्य गठबंधन है, तो ये जो इसका हमारा सी है वो गठबंधन हमारा दूसरा होगा, यानी कि नाटो ही एक सैन्य गठबंधन है। ठीक है, तो इसका जो हमारा सी है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरा, यानी कि नाटो। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डी की ओर। ठीक है, डी में क्या बोला गया है, अप्रसार के सिद्धांत को किसने प्रचलित किया था, अप्रसार के सिद्धांत को किसने प्रचलित किया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर तो मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट आप लोग क्या करना है इसको ढूंढ लेना। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा है इसका, ठीक है, शायद मैंने इसको नहीं सुना है कभी। ठीक है, तो अप्रसार के सिद्धांत को किसने प्रचलित किया था, शायद इसका आंसर जो आप लोग का है ये आप लोग खुद से सर्च करके देख लेना। ठीक है, अगर आप लोग नहीं कर पाओगे, आंसर नहीं मिलेगा, तो कमेंट करना कि आप लोग डी का आंसर बता दीजिए। ठीक है, ये मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उसके बाद नेक्स्ट देखो ई का, शीत युद्ध का परिणाम था, तो शीत युद्ध का क्या परिणाम था, तो एक ध्रुवीय, क्योंकि जब शीत युद्ध खत्म हुआ था तो एक ध्रुवीय विश्व युद्ध आया। ठीक है, इसका पहला हो जाएगा, यानी कि ई का पहला आंसर होगा आपका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ का। ठीक है, तो देखो एफ में क्या बताया गया, यहाँ पर बताया गया मैस्ट्रिच संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित हुई थी, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि 1992 में ही मैस्ट्रिच संधि को क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, यानी इस पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी नंबर। जी नंबर में क्या है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, तो ये हमारा जो रूस के राष्ट्रपति बने थे सोवियत संघ के विघटन के बाद वो हमारा बने, तो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा, यानी कि बोरिस एल्थसिन तीसरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा है EH नंबर। ठीक है, तो EH में क्या बताइए, निम्न में से कौन सा देश वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं है, वैश्वीकरण के पक्ष में नहीं है, तो उत्तरी कोरिया इसको अपने पक्ष में नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उत्तरी कोरिया नहीं दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट लोग चीन मारे होंगे आई होप आपका उसका सही हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो आई, द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजन पुस्तक के लेखक कौन है, द कोल्ड वार एंड इट्स ओरिजन के पुस्तक का नाम कौन है, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई का हो जाएगा दूसरा, यानी कि डी एफ फ्लेमिंग। ठीक है, उसके बाद जे, जे में क्या है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, तो इसका जो आंसर होगा पहला हो जाएगा, यानी कि बराक ओबामा। तो ये था हमारा MCQ क्वेश्चन जो 20 नंबर का था। ठीक है, दो दो नंबर का सारा MCQ क्वेश्चन था। ठीक है, टोटल 20 नंबर का। प्रमुख शक्ति का अर्थ है इसके निर्धारक तत्व का परिचय करें, ये भी क्वेश्चन आया। अमेरिकी विदेश नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, ये भी क्वेश्चन आया। विदेश नीति के आंतरिक एवं बाह्य निर्धारक का वर्णन करें, एक क्वेश्चन देखो क्वेश्चन तो सब आया हुआ। ठीक है, बट स्टूडेंट लोग चाहते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, तो ये तो मेरा डायरेक्टली नहीं मिला है। फ्रांस की विदेश नीति, ये भी मैंने क्वेश्चन करवा रखा था। जी जिनपिंग के कार्यकाल में चीन की विदेश नीति का व्याख्या करें,
उसके बाद नेक्स्ट है रूस की विदेश नीति के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ये भी आया था। अमेरिकी विदेश नीति के सिद्धांत की व्याख्या करें, ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया, आप लोग जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो में। ठीक है।